जो सर करता था और आज किसकी? देखें जी, मैंने 1988 में, मैं तो कराची में जो उस वक्त बहुत ही नकुतबे थी, मोहल्ले में गेट पे जम के हम की आबादी है कराची के अंदर, इनमें कोई भी इच्छा था, अब आप बन गए हुए, लेकिन कच्चे कच्चे मकान थे और मीलों तक नहीं चलती थी कि ये लोग एक्ट करते थे। और फिर तारीख यही गलियों में सिलसिला, ये सिलसिला सदर में है, ओका चौक वगैरह, और ये अंदर जाए तो गोली मार। कौन से इलाके? हाँ नहीं, कम निकला है पीपल्स पार्टी का, डिस्कस करें। देखिए जी, मैं तो एमकेएम की बात कर रहा है, ये सिर्फ चेंज क्यों आया जाए, इन्हें ये हैं सब कुछ, वो जहाँ तक देखा के खिलाफ मोहतरम इमरान खान साहब बैग जाते थे कि एयरपोर्ट, वो वहाँ पे मीडिया के साथ उन्होंने कहा कि ये भूत हैं, ये मैं वहां लेके जान के बारे में ये कहूंगा लंदन। और खान साहब जो थे, जो लोग उनके साथ गए हुए थे सर्दी में, उनको रहने और रिहायश के लिए भी जगह, उसमें उमर सरफराज सीमा आप बुला लें उनको, आप उस वक्त अपना उनको छोड़ के सबूत लेके ये लोग वापस आ गए, तो सब कुछ मौजूद के बारे में फरमाया, मतलब क्रिकेट के दरमियान। और कहा जाए कि एमकेएम ने, इमरान खान साहब ने इनके बारे में और दूसरों के बारे में सबके सामने जी कहता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने इनके साथ मिलकर हुकूमत में तक बना सही, इस वक्त डाउन की तरफ पोजीशन ऊपर की तरफ आ रही है, दिनों अजलास जो मुलतवी कम हो रही है अपोजिशन की बारी, और यही वो के जाने के देना है के दरमियान ये अपोजिशन पार्टियों के साथ कल इन्होंने वहाँ हेल्प ना करें, सिर्फ मेरे ख्याल में शायद जब राजी हो जाएंगे तो सबसे के खिलाफ ये करेंगे और असम्बली उसके खिलाफ फादर की भी बारी। ठीक, अच्छा देखें, मुबशर लुकमा खड़ा हुआ करता था हमारा दोस्त, कल एक वी लॉक किया है उसने, खिलाड़ी बदलने की बारी नहीं है की बारी है खिलाड़ी, अब कप्तान को बदला जो है वो बड़ी अहमियत में। सीमा साहब आप मुझे बताएं, आप या खिलाड़ी बदलने जा रही हैं? क्या बात है, कोई किसी जगह पे है, इसमें तो कोई मैं नहीं समझ सकते हैं, उनका राइट के मुताबिक उन्होंने जो कहा हूं कि अब आप जा रहे हैं ठीक, जितना हाँ एक बात यहाँ पर मैं समझती हूँ, खुद एडमिट कर रही हूँ चाहे कि हमारा मीडिया पीटीआई का कर दिया गया है, ऑलरेडी है इलेक्शन, देखिए बहुत सारे सारी चीजें ऐसी की जरूरत है और जो कर रहा, और इसमें बहुत मीडिया को क्योंकि पहले दूसरी मद में बहुत ज्यादा फंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, मैं उस मीडिया की बात कर रही हूँ। और साथ साथ ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, मैं भी हूँ, दीगर लोग भी हैं, कॉल्स कर करके तलत हुसैन किसी और चक्कर में है, टीवी मालकान को कहा जा रहा है, देखिए तीन साल मैं तो सैल्यूट जिन्होंने रिस्क लेते हुए उनको जवाब दिया है जो आजादा, मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि उन मीडिया जो बात थी वो ये थी कि पीस वीक है, पीसी चाहिए कि जो इस नहीं है उनको बिठा जाए, उनको प्रोजेक्ट्स के बारे में इस तरह का कहीं भी कोई माहौल, गलती को एडमिट कर रही हूँ, फ्लॉ है जिसकी वजह कि हम अगर अब जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं कितना हमने इन्वेस्ट हम नजर साथ ये भी बताएं आपसे उनका जो मैं थक गया हूँ जी, अब मैं थकावट का शिकार नहीं कर सकता, थोड़ा जो महंगा पेट्रोल की लोग ये नहीं देख, द वर्ल्ड पूरा आप कैंडल से, मैं मेरा खुद रिलेटिव है मारा है कि कभी ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उसकी वजह अच्छा डॉलर की क्या सूरत हाल है, कम होगी मईशत की वजह थी, दूसरा जो तरीके से पहले था डॉलर एक तरीके से जाली किया, तो आप भी कर लेना, अगर हम ये कर दें तो कदम जाएगा कौम के मफाद, अब एक दो कदम और कौम को जो दो तीन ट्रैक पे जब आ जाएगा सारा इंशाल्लाह सब ठीक अच्छा, लगेगा मतलब, इन वजह से आपको महंगाई मसनूयत, लेकिन जब किसी की जान गाना पड़ता है वेंटिलेटर की जरूरत जो है वो सफोकेशन, लोग होते हैं वो यकीन मानिए टिलेटर पे नहीं जाने देते, वो हैं आप जितनी जिंदगी है मैडम ने माशाल्लाह आजकल हमें मर्द आवाज है वो बात, वो चीजें इधर जितने भी साहब आते हैं ये पता मुझे शोकाज नोटिस से बात करने से कुछ नहीं अब नहीं आता होता है, मैं कहता हूँ कि जाके ये भी कहें जिस तरह को मुक्ति के आसान तो थोड़ा सा अभी आपके पास अभी लॉन्गेस्ट टाइम है और खा जाए, और फिर मैं शमसी साहब के जो पीटीआई वासे जो झूठ बोल जाए जी वो आने वाले दिनों में ये महंगाई के फजाइल बयान करते हैं उसकी बुराई करना महंगाई, हम इस माशरे का हिस्सा नहीं है क्या वो महंगाई हमारे घरों से आपको कहते हैं खान साहब लग रहा करते अब शमसी साहब ऐसे मैसेजेस मुझे मैं थोड़ा सा बड़ी साहब आप उसमें क्या है कि इनको टंग दें जिन्होंने मुल्क से बाहर लनी मॉन्डरिंग उनको बिल्कुल ले आए महंगाई दो कदम और ज्यादा हमारी शर्त ये कि इनको लटक दुरुस्त है लंदन की क्या ख्वाजा आसिफ को लटा दिया बड़े बड़े इल्जाम लगाए क्या दिया नलायकी है हमारी नलायकी है अब सल्तनत से एनओसी लेके आ गया हमारी नलायकी मैं तो खुद मेरी बात सुने जब तक आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगी वो क्यों करेंगे कॉपरेट नहीं कर सकते आप कैसे करेंगे हाँ उनके पास की अयाशियां चल रही हैं उन प्लाजों के प्लाजे खरीद रेट हो रहा है उनका पैसा ले रहे हैं एक सबूत ऐसा नहीं दिया बट
देखिए जी, जैसे आपने मीडिया की बात की नहीं कर रहे, तो ये मैं हुकूमत है ही मीडिया की, मीडिया नहीं पहले हुकूमत आई मीडिया की वजह से पिंडी में माहौल उसको कवरेज करने का, इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं हमें, लुकमान साहब जो भी इनके खाते हैं वो, तो इन्होंने हुकूमत ने देखना चाहिए कि मैं जिस ओहदे पे हूँ करना चाहिए, रखे हुए हैं जो लकड़ बनाबली यही प्लान करते हैं कि मैं किसके खिलाफ करना, बताएं कि मैं फलाम मंडी में उससे मिला, उसकी आमदनी गुजारा कैसे होता है साहब, बोरियां पकड़ी है आप लेनी है, वो कौन सा हमारे फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं। चलो चलो, मैडम भी सुन रही हैं, आप भी सुन, अरशाद भट्टी आपकी बरादरी बीवी पे कह दे, अच्छा साहब बताना पहले, भट्टी साहब बता प्रोग्राम में साथ ही उन्होंने कह दिया, खबर देने वाला हूँ कि मेरा साहब की कॉल आई और भट्टी साहब हमें दो, हमें उस तरह सुना, इस तरह का महंगाई है पाकिस्तान में भी हो रही है, तो आपके बुजुर्ग को बुलाना पसंद नहीं कर, जरा बात करें फिर ये मैं। देखिए जी, जब हुकूमत को बात के वजीर और तरले करेंगे ना, पहली बात को लाइन में एक हफ्ते में खड़े बात, देखें हाँ जी आपने कि देखें जी किसी राइश नहीं छोड़ी, किसी वजीर ने आप तो इस मुल्क का फायदा कहीं आपने कोई अपने बंदे नहीं लगाए, ये नहीं चले, आपने कौंसलें बहाल हुई अशर कर दिया उनका, बात यह कि इनकी नायली है वक्त, ये मानना पड़ेगा और मेरा ख्याल के अदम इतमाद आएंगे कि जो मुझसे ना हो सका, के वजीर आजम है आपके लिए है, आप जिसको काम करें, लेकिन आप ही जो रखा हुआ है पीपल्स पार्टी जिनके पास अख्तियार ही नहीं है, अब आप किसी ने तावन नहीं किया, वो भाई तावन क्या टीम थी, देखिए आप एक अच्छी टीम थी, आप लोग थे, तो इन पर क्या आपने पूरी कौम को मार के सीमा अनवार जिगर इन जैसे वजीर क्यों नहीं है, कैसे हाँ। कैसे आएगा, कैसे बहुत ज्यादा लोग आ गए, वो पीटीआई तो पहले वाली है, उन्होंने सीमा साहबा तो परंपरा तो जो लोगों ने काम है नहीं। जी जी अच्छा, आपको देखिए दो बातें इसमें ये है कि एक तो ब्यूरोक्रेट होती है और वो हमारे साथ बिल्कुल इसलिए नहीं करी कि वो नून लीग, अगर अब हम ट्रांसफर भी शुरू हो जाता है कहां हम करके ट्रांसफर हुए, ऐसा नहीं हुआ कि उनको चेंज, कोई और चीज है ना निकाल। नंबर दो बात करते हैं, इजाज मिनहास साहब है जिनको इनको चेक करें, वो अपॉइंट की जा सकती टीम की और पुराने वर्कर्स करें, शमसी साहब 70 पोस्ट गिर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी हैं जिन पर हम इसको अपॉइंट किया जा सकता, नून लीग के लोग अपॉइंट चेंज नहीं किया गया, ये समझ से बाहर है कि उनको निकाला गया, वजह क्या है, ना निकाला है जो क्या पॉलिटिकल पोस्ट पीपल्स पार्टी का हजार बंदा निकाला है, सहजी दिन इनको भी निकाला, बताऊं फिर आज ये कि उस्मान बुज़दार में इलेक्शन लड़ने से तीन नवाज शरीफ के जब वो टिकट होल्डर थे तो और वो दोस्तों को क्या, अब उस्मान बुज़दार साहब के मतलब पॉजिटिव काम है, बहुत अच्छा बात नहीं है ये, और बात है कि उनकी बिया वीक है, वही बात है, खैबर पख्तूनख्वा वाला भी वाला बहुत अच्छा है, देखें नहीं एक और मैं बताऊं, ये आप माने वो आप लोग चाहते हैं वो कर ले, वजीर चौहान बेचारा यतीम, उसने एक स्टेटमेंट दे दी, शहजाद अकजा निसार था इमरान खान सद तक वो, यानी लेकिन उसे फिर माजरत की माई गई, उसको क्या उसके साथ जुल्म हुआ, सिर्फ एक शहजाद अकबर करवाना था करवा लिया, आप मेरी एक्शन बात लेना क्या, तो आप क्या बताऊं, ये एक पीटीआई के ही मेरे ख्याल वर्कर्स को दी है कि मैं यहाँ की है कोई कमजोरी है तो, और मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे ये बनाया हुआ है डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, आपको होना चाहिए, आपको तर्जमान होना चाहिए, आपकी बड़ी मेहर समझा, थैंक यू सो मच, आज डिफेंड करती है आज के दौर पे होना चाहिए था, मैं तो नहीं चाहिए, मैं तो मेरे ख्याल पार्टी को डिफेंड कर रही हूँ, चैनल मरते वक्त तक करती रहूं बिकॉज हम खान के साथ, ये बताया था कि नून लीग कि इतनी मनीदार का कच्चा चट्टा, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, गन किसके सामने नहीं है, किसी एक वर्कर को भी ये जुनेल पे बैठ के बताएं चलती है, नहीं, ये नहीं, भी खान सुने, मैं बताता हूं लीग में ये दूर ये है कि आपके हाथ था उनके कच्चे चट्टे खोल रखे होते और अवाम को सजाएं होती जेल में उनको लटकाया जाता, मेरे मामले में पहले भी कहा गया चीफ जस्टिस का बयान था, जो नैब के पास ये पनामा का केस है तो 3 साल पहले के थे, पहले ये इसको पकड़ा गया तो अवाम के सामने लाए गए, पालिया निशान आज भी मौजूद सामने बैठे, आपने मतलब एबीएस के वाक्य में तो आपने उसी नैब के अगर वो इतना ही गंदा ले आते अच्छे बंदे की शरीफ के लोग कैसे खड़े हैं इनको पॉइंट करने की बात ही तो कर सकते थे ना, ऑर्डिनेंस के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए आप उसको बढ़ा रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस के जरिए सबसे बड़ा एक कह लें कि वो ये है फिगर नहीं था कि हमें उनको ऐड करना पा लेजिस्लेशन हो पा रही है, ये बंदे अपॉइंट करने में, और देखिए जी बातें की इन्होंने कहा कि पहले किया कि इमरान खान साहब मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, रह गई मैं कहता हूँ कि इस एहतसाब किया सर से किया और ये कौम पे बहुत बड़ा लेकिन बहुत बड़ा आसान मानने की मेहनत नहीं की कि बल्कि अपनी नौकरी की अभी एक्सटेंशन मिलके इस हुकूमत के साथ, ठीक है बहुत भट्टी साहब मोहतरमा नाज़रीन, हमने कोशिश की है क्योंकि सहाफी का हुकूमत की कसीदा खानी और जर्नलिज्म करना पॉजिटिव तनकीद के लिए रिक्वेस्ट करना और हम तामीरी रखते हैं और कौम मुंतखब शुदा हुकूमत से
और वो हम करते रहेंगे। के लिए आवाज़ हक बुलक के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, जिंदाबाद। अगर आना तस्वीरें बनानी है।